दोस्तों, मैं काफी दिनों के बाद फिर से यूट्यूब में वापस आ गया हूँ और ऑलरेडी मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब से मैं उंगली कर कस्टमाइज करने का तरीका सीखा हूँ, तब से लोग मुझे कमेंट करके आ रहा है कि फ्री फायर का पैनल्स कैसे बनाते हैं, अच्छे अच्छा पैनल्स कैसे बनाते हैं, बाईपास पैनल कैसे बनाते हैं। इस तरफ वो लोग काफी दिनों से कमेंट्स करके आ रहा है और यहाँ पे ये सब जानते हुए भी इस तरह वीडियो बनाने की मैं कभी सोचा ही नहीं था। मुझे पता है इसका तरीका, लेकिन अगर आप लोगों को इसका तरीका पता होता तो आप लोग मुझसे कभी कमेंट ही नहीं करता। और हाँ, वो इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग बना सकते थे, वो इसीलिए कमेंट नहीं करता होगा क्योंकि आप लोगों को इसका रियलिटी पता होता कि वो अच्छा है या बुरा है। और आज हम आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को वो कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा, मगर मैं आप लोगों को इसका तरीका बताऊंगा, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोगों को अपने पीसी का स्क्रीन में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब मेमोरी में चलता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो सब बाइनरी सिस्टम के जरिए मेमोरी में स्टोर होता है। बाइनरी सिस्टम दरअसल क्या है, अगर आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो आप लोग इसके बारे में गूगल में सर्च कर लीजिए। और अगर वही चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वही फ्री फायर का इंफॉर्मेशन मेमोरी में बाइनरी सिस्टम के जरिए स्टोर होता है। फ्री फायर के अंदर जो कुछ भी इमेज यानी कि जो पिक्सल है वो सब मेमोरी में बाइनरी के जरिए स्टोर होता है और इसका एक सेपरेट वैल्यू होता है। मान लो कि आपके अकाउंट में करोड़ों डायमंड्स है, अगर आप अंबानी के देते हो तो फिलहाल मेरे पास तो अभी 5 डायमंड्स है, ओनली 5 डायमंड्स। और यहाँ पे जो 5 डायमंड्स है ना, वही 5 जो वैल्यू है, इंफॉर्मेशन है, वो मेमोरी में बाइनरी सिस्टम के जरिए स्टोर होता है, इसका एक सेपरेट वैल्यू। अगर हम मेमोरी में किसी भी तरीके से इस वैल्यू को चेंज कर दूं तो अकाउंट में जो डायमंड है उसका वैल्यू अलग होगा, यानी कि नंबर 5 के बदले कुछ और नंबर होगा। चाहो तो हम करोड़ों डायमंड भी बना सकता हूँ इस तरीके से। ऐसे ही मेमोरी में बाइनरी वैल्यू को चेंज करके इन्वर्टर को बाईपास करवा सकता हूँ, अच्छा अच्छा पैनल बनवा सकता हूँ। सिर्फ मेमोरी में कौन सा वैल्यू चेंज करना है वो पता होना जरूरी है। फिलहाल इतना आसान तो नहीं है इसे डिटेक्ट करना। इमेज डिटेक्ट करने के लिए अलग तरीका है, नंबर डिटेक्ट करने के लिए अलग तरीका है, और जो एक्शन है गेम में जो कुछ एक्शन चल रहा है उसे डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीका है। और आप लोगों को ये सब सीखना होगा। इसका मतलब यह है कि मेमोरी में वैल्यू को चेंज करना है, और ये आप लोगों को जितना आसान लगता है इतना आसान नहीं है। अगर गलती से कोई और वैल्यू चेंज हो जाता तो आपका भारी नुकसान होगा। इसी वजह से ही आज तक किसी ने भी परफेक्ट पैनल नहीं बना पाया है। वही तो प्रॉब्लम है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे चेंज करने के साथ साथ कुछ और वैल्यू भी चेंज हो जाते हैं। फिलहाल गैरेना जो है वो लोग तो ये सब डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो विंडोज में डायरेक्ट इंस्टॉल होता है एमुलेटर वो ये डिटेक्ट कर पाते हैं। और क्या बता, गैरेना भी ब्लिस्टर्स के साथ सीक्रेटली कोलैबोरेट किया होंगे, और इसका क्या मतलब है आप लोग खुद ही समझ सकते हो। तो आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट को समझा दिया हूँ कि पैनल्स कैसे काम करता है। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।